हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस 12 के बारे में। कल ही ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। आज हम लोग इसके कुछ फीचर्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या यह वैल्यू फॉर मनी है या फिर कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड है। तो सबसे पहले प्राइस से ही शुरू करते हैं। इसका प्राइस होने वाला है 64,999 रुपीज़, यानी कि 65,000 रुपीज़। फीचर्स देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ये ओवर प्राइस्ड है या फिर कुछ सही सही प्राइस है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है। तो ये लोग इस फ़ोन को बनाए हैं हैसलब्लैड के तरफ से, मतलब उनके साथ कोऑपरेशन करके दोनों ने मिलके इस फ़ोन को बनाया। तो कलर आप लोग देख सकते हैं, दो कलर्स में ये आपको मिल जाएगा, एक ब्लैक और ये ग्रीन कलर का कुछ कलर है। इसका भी हम लोग नाम देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका जो नाम दिया गया है वो है फ्लावी एमेरल्ड। तो काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और साथ ही में जो दूसरा कलर है वो है सिल्की ब्लैक। अभी कैमरे के फीचर्स के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा कैमरा इसमें आपको दिया गया है। फोर्थ जेन हैसलब्लैड कैमरा सिस्टम मिला है इस फोन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सा कैमरा मिलता है। वाइड एंगल फोटो खींचने के लिए इसमें आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल्स का सोनी का LYT 808 सेंसर, जिसमें OIS इनबिल्ट है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन। पेरिस्कोप के लिए आपको यहाँ पे 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो जो लेंस मिला है वो आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल्स का। तो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस जो फोटो होता है वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ खींचने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा, जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 114 डिग्रीज, और इसमें आपको 1/2 इंचज का सेंसर साइज मिलता है। तो सेंसर साइज भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक्यू स्पेक्ट्रम मिलता है लाइट कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 64 मेगापिक्सल से जो पेरिस्कोप जो टेलीफोटो कैमरा है वहाँ से कितना ज़्यादा डिटेल्ड फोटोज आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 3x ऑप्टिकल जूम का फीचर मिलता है, और साथ ही में इसमें आपको 120x का डिजिटल जूम का ऑप्शन भी मिल जाता है। देखते हैं कुछ फोटोज के साथ, मतलब जो लेंस हम लोग लगा के फोटो खींचते हैं DSLR में, तो वो कैसा फोटोज आता है। तो इस फोन में भी आपको वैसा फोटो देखने को मिल जाएगा। तो फोटोज के मामले में तो काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि DSLR का प्राइस भी करीब करीब उसी रेंज में आ जाता है, 60,000 या फिर वैसा कुछ। अभी देखते हैं कि चार्जिंग के लिए या फिर बैटरी में इसमें आपको क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 5400 का मिली एम्प आवर्स बैटरी, जिसमें आपको 100 वाट्स का सुपर वोक चार्जिंग का सपोर्ट है, और साथ ही में 50 वाट्स का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग 100 वाट्स का जो सुपर वोक चार्जर मिलता है उससे चार्ज करेंगे तो 26 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा, और अगर आप लोग वायरलेस चार्जिंग यूज़ करेंगे तो 55 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। तो देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। साथ ही में इसमें आपको मिलता है ऑक्सीजन ओएस जनरेशन 14, यानी कि एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस्ड होगा, और इनका अपना जो ऑक्सीजन ओएस है वो आपको मिल जाएगा। और क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, वन प्लस का ट्रिनिटी इंजन का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। उससे क्या होगा, उससे आपको मिलेगा 47 आवर्स तक का यूजेज 5.5 आवर्स, यानी कि 5.5 घंटे तक आप लोग विदाउट लैग वीडियो शूट कर सकते हैं। और अगर आपको मैप्स देखना है, GPS देखना है, तो 10 घंटे तक कर सकते हैं। और अगर आपको गेमिंग करना है इस फ़ोन के साथ, तो बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के आप लोग 3 घंटे का गेमिंग कर सकते हैं। और अगर मल्टीटास्किंग करना है तो 72 घंटे तक मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और आपके आँखों के लिए या फिर जो फ्लुएंसी होने वाला है फ़ोन का, उसके लिए आपको यहाँ पे TUV का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। TUV का सर्टिफिकेशन क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि उससे क्या होता है, जो ग्लेयर होता है ग्लेयर को कम किया जाता है। तो वो कुछ फीचर्स आपको मिलता है, रैम वाइटलाइजेशन मिलता है, CPU वाइटलाइजेशन मिलता है, रोम का भी वाइटलाइजेशन मिलता है। और क्या फीचर है, हाइपर बूस्ट है, हाइपर रेंडरिंग है, और हाइपर टच है। तो ये कुछ फीचर्स थे डिस्प्ले के रिलेटेड। डिस्प्ले के स्मूथनेस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 2K 120Hz प्रो XDR डिस्प्ले, जिसमें आपको मिल जाता है एडवांस LTPO फॉर ब्राइटर एंड मोर वाइब्रेंट विजुअल्स। इसमें आपको एक्वा टेक्नोलॉजी में मिलता है, जिसमें आप लोग जो स्वाइप स्वाइप करते हैं तो स्वाइप करने के बहुत ही स्मूथ, एकदम पानी के जैसा स्वीप होगा। और क्या फीचर्स है, 4500 nits का पिक ब्राइटनेस मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट है, HDR विविड है, डॉल्बी विजन है, और डिस्प्ले मेट A+ इसमें आपको मिलता है। और आपके आंखों के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है 2160Hz का PWM डिमिंग टेक्नोलॉजी। और क्या फीचर है, एक्वा टच तो मैंने आपको कह दिया है कि बहुत ही मतलब स्मूथ होगा। और साथ ही में यहाँ पे आपको प्रो XDR जो मिलता है उससे आप लोग देख सकते हैं कि फोटो कितना ही डिटेल्ड आता है। तो फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम DSLR जैसा कुछ फील आ रहा है फोटो में। और क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रैम आपको कितने का मिल रहा है और क्या फीचर्स है।
तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 GB एंड साथ ही में 16 GB, दो रैम का ऑप्शन है और LPDDR5X यहाँ पे आपको रैम मिलने वाला है। तो काफ़ी सही फीचर है, 12 SIM का सपोर्ट मिलता है, Wi-Fi 7 रेडी ये फ़ोन है और वाईफाई काफ़ी एनहांस्ड वाला दिया गया है और लेटेंसी जो है गेमिंग के टाइम में लेटेंसी काफ़ी कम होने वाला है और जो नेटवर्क रिकवरी टाइम है मतलब अगर बाई चांस नेटवर्क चला गया तो फिर से नेटवर्क आने में बहुत ही कम टाइम में वो आ जाएगा। तो ये थे कुछ फीचर्स और इससे अगर हम लोग अभी के टाइम में देखें तो फ़ोन ओवर प्राइस तो नहीं है क्योंकि जिस सेटअप का कैमरा इसमें आपको दिया गया है वो मतलब वाकई में मिलना बहुत ही मुश्किल है अभी के टाइम में। ये कोई भी फ़ोन इतना अच्छा वाला कैमरा ऑफर नहीं कर रहा है तो उस हिसाब से तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ़ोन को आप खरीदेंगे कि नहीं। अभी प्री बुकिंग चल रहा है, 2000 रुपये से आप लोग इसको प्री बुकिंग कर सकते हैं और 29 जनवरी को आप लोग इसका परचेज कंप्लीट कर सकते हैं। प्री बुकिंग में जो आप लोग 2000 रुपये उनको देंगे तो वो आपके अमेजोन बैलेंस में रिफंड भी हो जाएगा। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 256 GB और 512 GB का स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो काफ़ी सही फ़ोन है और ये जो एमरल्ड जो कलर है फ्लावी एमरल्ड, ये कलर भी काफ़ी अच्छा है जिसको आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।